मांग संख्या 16 व मांग संख्या 31 राजस्व विभाग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जब जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आती है, वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बनते हैं, तब तब प्रशासन गांवों के संग हो या प्रशासन शहरों के संग हो, भूमि आवंटन और ये पट्टों का कैंप लगाया जाता है। तो इससे काफ़ी राहत मिली है लोगों को। पहले पेनल्टी चला रहे थे 91 में, पटवारी रोज चक्कर मरवाता है, हर साल उससे पैसे लेता है, लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने सोचा कि बरसों से लोग जो बैठे हुए हैं उनका उनको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन हमारे जो मोदी जी हैं वो हमारे आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, आदिवासियों को जमीन से बेदखल कर रहे हैं, लेकिन इधर हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, वो सभी वर्गों को ध्यान रखते हुए ये भूमि आवंटन कैंप लगाया। बरसों से जो लोग बैठे हुए थे, पुश्तैनी मकान थे, जो बरसों से जमीन पर खेती बाड़ी कर रहे थे, उनका आवंटन किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं ये भी साथ में कहना चाहूँगा कि बची हुई कुछ पंचायतें हैं, जैसे हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि कैंप लगाया लेकिन हमें कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा, मतलब 75% लगभग भूमि आवंटन हो गई, पट्टे भी मिल गए, 25% कुछ मेरी विधानसभा में बाकी होंगे, लोगों को भूमि आवंटन नहीं हुए और मकान के पट्टे नहीं मिले। जो बरसों से शहर में रह रहे थे उनको भी पट्टे नहीं मिले, लगभग 2500 के लगभग उनको पट्टे मिल गए। तो आप खाली कहने और कथनी में अंतर नहीं है, आप खाली कहते हो काम नहीं करते हो, लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो कहते हैं वो काम करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कुछ पंचायत हमारे जो बचे हुए, बोखला, सेरावाड़ा, बलवाड़ा, थाना, सुरपुर, सेरावाड़ा, जो पंचायतें जो पटवारी हड़ताल पर थे उस वजह से कुछ पंचायतों में कैंप नहीं लगे हैं। मैं सभापति महोदय जी आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, जो उस समय पटवारी हड़ताल पर थे, जो पंचायतें बची हुई है और किसी पंचायत में कुछ काम और बाकी है, तो वापस पुनः मेरे विधानसभा क्षेत्र में भूमि आवंटन कैंप लगाया जाए और जो पात्र व्यक्ति हैं उनको उनका अधिकार दिया जाए। चक बिलाना भूमि पर भी जैसे बैठे हुए हैं, चक भंडारिया, चक मांडवा और मांडवा खापेड़ा, वहाँ भी लोगों ने आवेदन करे हुए हैं, लेकिन ये कुछ बाकी है, यहाँ भी कैंप लगाकर इनको पट्टे दिलाए जाए। मैं सभापति महोदय जी आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, एक हमारे यहाँ पर पेराफेरी में जो लोग रहते हैं, भले वो आदिवासी वर्ग हो, भले कोई सा भी वर्ग हो, शहर के अंदर पट्टे मिल रहे हैं और पेराफेरी से बाहर जो गांव हैं उनका भी पट्टे मिल रहे हैं। अब इन पेराफेरी वाले जो लोग हैं, गरीब हैं बेचारे, उनके पास एक बीघा जमीन है, आधा बीघा जमीन है, उन्होंने क्या गुनाह कर दिया है तो उनको पट्टे नहीं मिल रहे, न तो उनको मकान का पट्टा मिल रहा है, न उनको जमीन का पट्टा मिल रहा है। ऐसे लोग कम से कम 505 लोग हैं माननीय मंत्री महोदय जी, 505 जो खाली मकान है और उसमें एक एक सदस्य है, किसी में 5 है और किसी में 7 है, टोटल कम से कम 3500-4000 लोग हैं वहाँ रहते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये सर्वे भी करी हुई है, ये सर्वे की पूरी मेरे पास ये रिपोर्ट है कि कौन कौन व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है और ये बरसों से बैठे हुए हैं। डूंगरपुर अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित 5 में नगर परिषद नगर पालिका लागू नहीं होती है, उसके बाद भी पंचायत से एनओसी नहीं ली, आज वहाँ जो पंचायत में लोग हैं वो वोट वार्ड पंच को दे रहे हैं, वो वोट सरपंच को दे रहे हैं, वो वोट पंचायत समिति सदस्य को दे रहे हैं, जिला परिषद सदस्य को दे रहे हैं, लेकिन न तो नगर परिषद उनको पट्टा दे रही है, न इधर से पंचायत वाले दे रहे हैं कि नहीं आपके पेराफेरी में, इसलिए सरकार का आदेश नहीं है। मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूँगा, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इन गरीबों को इनका अधिकार दिया जाए, इनका पट्टा दिया जाए, और वहाँ पर कोई ऐसा रोजगार का कोई साधन नहीं है,
एक बीघा, एक बेटे, एक बाप के चार बेटे हैं। अब पिताजी का तो मकान है, चार बेटे कहाँ जाएंगे? उनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है, मकान बनाने के लिए इतनी जमीन है, वो भी जमीन अगर हम छीन लेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? ये कहाँ का न्याय होगा? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये विशेष कैंप लगाकर इनको इनका अधिकार दिया जाए। ये माननीय मंत्री महोदय जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा। चारागा भूमि, अब पटवारी और गिरदावर मौके पर तो जाते नहीं है, बैठे बैठे भर लेते हैं, भाई बिलाना भूमि कहाँ है, खाली जमीन कहाँ पड़ी है, पंचायत में बैठ के भर लेते हैं तो ये जमीन खाली पड़ी हुई है। अरे सर मेरा 5 मिनट भी नहीं हुआ, 5 मिनट तो बोलने दे सर, करिए 2 मिनट साफ करें। मैं 10 मिनट आप घंटी बजाओ तो मेरा आधा तो यूं छूट जाता है। तो वास्तविक में सर्वे कराई जाए उस पंचायत में, जो व्यक्ति बरसों से बैठा है, उसका मकान है, खेती है, कुआ है, उसकी भूमि आवंटन की जाए। लेकिन कई लोग तो खाली खाली जमीन है, नक्शे में खाली है, लेकिन मौके पर वहां व्यक्ति बैठा हुआ है। जो बैठा हुआ व्यक्ति है बरसों से, उसकी भूमि आवंटन की जाए, ये मैं कहना चाहूंगा। और नॉन टीएसपी के लोग टीएसपी में आके बिना नियम बिना कानून, उनके होटल भी बन जाती है, उनके माइंस भी खुल जाती है, उनके फार्म हाउस भी खुल जाते हैं। लेकिन जो 100-100 साल से, 150-150 साल से बैठे हुए हैं, उनके कोई नियम कानून बताते हैं उनको, तो ये कहाँ का न्याय, कहाँ का कानून हुआ? माननीय सभापति महोदय जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों की जो मांग है वो आप पूरी कराएं। मैं इसी के साथ सामाजिक न्याय की बात करूंगा। अशोक गहलोत जी ने पेंशन देने का काम किया, पेंशन बढ़ाने का काम किया, 500 मिलते थे उसको 750 मिल रहे हैं, जिसको 750 मिल रहे थे उसको 1000 मिल रहे हैं, और 1000 मिल रहे थे उसको 1500 मिल रहे हैं। और पहले हर किसी वर्ग को नहीं मिलते थे, जैसे हमारे पाटीदार समाज है, यादव समाज है, कोई ब्राह्मण समाज है, राजपूत समाज है, उनको पेंशन नहीं मिलती थी। अगर उन सभी वर्गों को पेंशन देने का काम किया है तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं साथ ही कहना चाहूंगा कि हमारे STSC बच्चों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, वो बोले BEd करते हैं, STC करते हैं, या स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। मंत्री जी बैठे हुए इधर, मैं कहना चाहूंगा कि उनको समय पर छात्रवृत्ति मिले, और इस महंगाई के दौर में उनकी छात्रवृत्ति भी बढ़ाई जाए, ये मैं मांग करना चाहूंगा। इसी के साथ ही बिछीवाड़ा में STSC के लिए, छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाए जाए अलग अलग। इसी के साथ ही मेरे विधानसभा क्षेत्र में हर पंचायत में जल्दी कम से कम 100 लोग या 50 लोग APL राशन कार्ड वाले, इसके बाद सभासद भी आप, उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है, NFS में नाम नहीं जुड़े उनके, वो कहते हैं कि हमें कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। APL में होने से, खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं होने से उनका मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी सर्वे कराकर वास्तविक में जो गरीब है, उनके जिसका APL पास बना हुआ है, उसको खाद्य सुरक्षा में जुड़ा जाए और इनको फायदा दिलाया जाए, यही मांग करता हूं। साथ ही मैं विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर वर्तमान में राजस्व न्यायालय, रेवेन्यू कोर्ट अलग से खोला जावे, ताकि राजस्व प्रकरणों का जल्दी निस्तारण होकर आम जन को समय पर न्याय प्राप्त हो सके। भू अभिलेख निरीक्षक कार्यालय भवन का निर्माण कराया जावे, क्योंकि एक भू अभिलेख निरीक्षक के पास 4 पटवार मंडलों का कार्यभार होता है, जिससे लगभग 8 पंचायतें आती है। इनका मुख्यालय कायम किया जाकर भवन बनाए जाने से आम जन एवं पटवारियों को कार्य निस्तारण में समस्या नहीं होवे। विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में पटवार मंडलों के भवन जर्जर एवं काफी पुराने हो चुके हैं। उक्त भवनों में विद्युत व्यवस्थाएं, पानी, शौचालय, आम जन के बैठने की व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसे पटवार मंडलों को ग्राम पंचायतों के नवीन भवनों में एक कमरा उपलब्ध कराया जाए, जिससे आम जन को, सर एक मिनट खाली, राहत मिल सके, पटवार भी अपने रिकॉर्ड को अच्छे से संधारण रख सके। TSP क्षेत्र के भू अभिलेख निरीक्षकों से नायब तहसीलदार के पद पर लंबे समय से पदोन्नति नहीं हो पाई है, क्योंकि TSP क्षेत्र से बाहर के भू अभिलेख निरीक्षकों द्वारा माननीय न्यायालय में वाद दायर किए गए हैं, जबकि TSP क्षेत्र पृथक घोषित किए जाने से
एवं इस क्षेत्र में कोई प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन नहीं होने से टीएसपी के कार्मिकों की पृथक से सूची तैयार कर इन्हें पदोन्नति का लाभ दिया जाए। माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मैं ये जितने भी लोग हैं जो बैठे हुए हैं, ये मैं टेबल करना चाहता हूं और इनको इनका भूमिका, इनको अधिकार मिले, यही कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।